संगीतासिंह.com में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी सूजी का उपमा, सूजी यानी रवा का उपमा। तो चलिए शुरू करते हैं उपमा बनाना। तो देखिए उपमा बनाने के लिए किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी। ये हमने एक कटोरी सूजी लिया है जो लगभग 200 ग्राम है। ये हमने एक चौथाई छोटी चम्मच राई ले रखी है। ये एक बड़ा प्याज काट रखी हूँ बारीक बारीक। ये आधा नींबू ले रखी हूँ। ये 2 चम्मच धनिया पत्ती ले रखी हूँ जो मैं बारीक काट कर धोकर ले ली हूँ। ये मैं कड़ी पत्ते ले ली हूँ छौंका लगाने के लिए। ये 3 चम्मच मैंने मटर के दाने ले रखी है धो धाकर। और ये मैं 2 हरी मिर्ची बारीक काट रखी हूँ। ये 3/4 चम्मच छोटे चम्मच नमक ले रखी हूँ। ये मैं 2 बड़े चम्मच मूँगफली के दाने ले रखी हूँ जो उपमा बन जाने के बाद इसमें डालूँगी। और ये मैं 1 टमाटर बारीक काट रखी हूँ। ये 1 गाजर बारीक काट रखी हूँ। इनको धो धाकर मैं काट ली हूँ। ये 1 शिमला मिर्च मैं काट रखी हूँ बारीक। आप चाहें तो इसमें फूल गोभी भी डाल सकते हैं और भी सब्जियां डाल सकते हैं, अपने अपने पसंद की सब्जी लोग डालते हैं। मेरे को ये सब्जियां पसंद है तो मैं ये डाल रही हूँ। और ये मैं घी ले रखी हूँ उपमा बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं उपमा बनाना। उपमा बनाने के लिए सबसे पहले हमें गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ाना पड़ेगा। फिर मैं कढ़ाई चढ़ा दी और मैं इसमें थोड़ा सा घी डाल दूँगी। घी डालकर फिर मैं ये सूजी डालकर चलाते रहूँगी। चलाते चलाते इसको भूनना पड़ता है, नहीं तो ये फ्राई के तले में लग जाता है या ज़्यादा ब्राउन हो जाता है। इसको ज़्यादा ब्राउन हमें नहीं करना है, हमें इसे हल्का ब्राउन करना है। मैं इस कटोरी से ले रखी हूँ और नमक मैं 3/4 ले रखी हूँ छोटे चम्मच से। आप चाहे तो अपने स्वाद के हिसाब से ले सकते हैं। कोई नमक कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, तो नमक हमेशा स्वाद अनुसार होता है। मैं अपने वीडियो में हमेशा डिस्क्रिप्शन में हर सामग्री लिख देती हूँ। आप हमारे वीडियो में जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। कोई भी रेसिपी आपको बनाना है तो आप देखकर अच्छे से बना सकते हैं। कभी कभी बोलने में भूल हो जाती है तो मैं बोल नहीं पाती हूँ वीडियो के टाइम में, लेकिन हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है मेरा सामग्री, तो आप देखकर अच्छे से बना सकते हैं। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। आप भी बनाइएगा, खाइएगा और अपना अनुभव हमारे चैनल पे शेयर कीजिएगा कि आपने बनाया और कैसा बना आपका उपमा। ये हल्का हल्का देखिए कलर चेंज हो रहा है। मेरे को थोड़ा सा और भूनना है इसको। 4-5 मिनट ही भूनते हैं। मैं फ्लेम हाई ही रखी हूँ। इसको चाहे तो आप मीडियम फ्लेम पे भी भून सकते हैं, लेकिन मैं लगातार चला रही हूँ इसको, तो ये जलेगा भी नहीं, ज़्यादा ब्राउन भी नहीं होगा। इसको चलाते रहना पड़ता है। इसको हल्का ब्राउन होने पर ही मैं इसमें से दूसरे प्लेट में निकाल लूँगी सूजी। और फिर थोड़ा ये मूँगफली के दाने को घी में थोड़ा सा वो गर्म कर लूँगी। फिर मैं ये सब चीज़ का छौंका लगाऊँगी सामग्री का। फिर उसमें सूजी डालूँगी। ये देखिए ये सूजी हल्का ब्राउन हो गया है। मैं अब फ्लेम बंद कर दे रही हूँ। फिर मैं ये सूजी इस प्लेट में निकाल लूँगी। फिर मैं दोबारा गैस ऑन करके और सामग्री तैयार करूँगी। ये सूजी हमने निकाल लिया है कढ़ाई में से। अब मैं फिर थोड़ा सा घी डालूँगी ज़रा सा, और मूँगफली पहले ये थोड़ा सा घी मैं डाली हूँ। अब इसमें मैं ये मूंगफली के भुने हुए दाने थे इसको मैं डाल के थोड़ा सा घी में भून लूँगी ताकि ये थोड़ा कुरकुरी हो जाए, घी का भी स्वाद इसमें आ जाए। फिर ये जब मैं भून कर निकाल लूँगी तब मैं इसमें तड़का लगाऊँगी। ये मैं अब निकाल ले रही हूँ। ये भून गया घी में, ये मैं घी डाल रही हूँ 2 चम्मच। अब मैं इसमें ये राई का तड़का लगाऊंगी। ये 1/4 छोटे चम्मच राई मैं ले रखी हूँ। मेरे पास पीला वाला था तो मैं पीला वाला ले ली हूँ। आपके पास अगर काला वाला अवेलेबल हो राई यानी सरसों तो आप वही लें। ये मैं कड़ी पत्ता डाल रही हूँ। ये मैं 2 हरी मिर्ची बारीक जो काट रखी थी वो डाल रही हूँ। ये मैं 1 प्याज बारीक काट रखी थी वो डाल रही हूँ। स्टेप बाई स्टेप मैं दिखा रही हूँ, आप चाहें तो देखकर आराम से बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बनता है। लास्ट में थोड़ा सा नींबू निचोड़ दे तो स्वाद इसका और भी बढ़िया हो जाता है। और मैं ये जो थोड़े से मटर के दाने ले रखी हूँ 3 चम्मच बड़े चम्मच से वो मैं डाल दे रही हूँ। मेरे को सब्जी उपमा में ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं ज़्यादा डाल रही हूँ।
मेरे को जो जो सब्जियाँ पसंद है मैंने सब ले रखा है। आप चाहे तो इसमें फूल गोभी भी बारीक काट कर डाल सकती हूँ। ये मैं टमाटर डाल रही हूँ, एक टमाटर बारीक काट रखी थी। ये मैं गाजर डाल रही हूँ और ये शिमला मिर्च, और इनको 3 से 4 मिनट तक मैं भूनूंगी और थोड़ा सा मैं इनको ढक दूंगी ताकि ये मटर जो है या गाजर है हल्का सा ये पक जाए। इनको ज़्यादा नहीं भूनना है नहीं तो ये ज़्यादा नरम हो जाएंगे, इनको ज़्यादा नरम नहीं करना है। उपमा में सब्जियों को ज़्यादा नहीं भूना जाता है। फिर मैं इनको थोड़ा सा अभी ढक दूंगी। ये मैं इनको थोड़ी देर के लिए बस 1-2 मिनट के लिए ढक दे रही हूँ और आँच थोड़ा मीडियम कर दे रही हूँ ताकि ये थोड़ी सी पक जाए। ये 1 मिनट हो गया है, मैं इसको ढक्कन हटा दी और थोड़ा और भून दे रही हूँ। फिर मैं इसमें सूजी डालूंगी। ये देखिए 3-4 मिनट हो गए इसको भूनते हुए, बाद में ज़्यादा नरम हो जाएगा। अब मैं ये सूजी डाल रही हूँ, सूजी यानी रवा, जिनका जिनका जो भाषा होता है वो समझते हैं। मैं सूजी बोलती हूँ तो मैं सूजी ही बोल रही हूँ बार बार। इसमें सूजी को हल्का भून लेंगे। फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी। इसी कटोरी से वो सूजी था 1 कटोरी, तो इसी कटोरी से मैं 3 कटोरी पानी नाप कर ले रखी हूँ, तो मैं थोड़ा थोड़ा ऐड करूँगी इसमें पानी। एक बार नहीं डालूँगी नहीं तो गुठलियाँ बन जाएंगी। धीरे धीरे पानी हमेशा अंदाजा से ही डालें, नाप कर ही डालें, नहीं तो कभी कभी उपमा ज़्यादा टाइट हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा गीला हो जाता है। तो पानी जिस बर्तन से सूजी लें उसी बर्तन से 3 बर्तन पानी नाप लें। फ्लेम मैं हाई ही रखी हूँ अभी। अब मैं इसमें नमक डालूँगी, जो 3/4 चम्मच छोटे चम्मच से ली थी मैं नमक भी डाल दी। अब जब इसमें उबाल आ जाएगा तब मैं इसको थोड़ा हल्का आंच पे कर दूँगी। ये उपमा हमारा रेडी होने वाला है। पानी इसमें सेट हो गया, सूजी फूल रहा है, मैं मीडियम आँच कर दी हूँ। अब मैं इसमें मूँगफली के दाने डालूंगी, थोड़ा नींबू निचोड़ दूंगी और धनिया पत्ता से इसको थोड़ा गार्निश कर दूंगी। नींबू निचोड़ने पर मुझे अच्छा लगता है, ये ऑप्शनल है, आपको अच्छा लगे तो आप भी निचोड़ ले, नहीं लगे तो नहीं निचोड़ना, हम ज़रूर निचोड़ते हैं। ये थोड़ा सा धनिया पत्ता मैं इसमें छिड़ दे रही हूँ, ये थोड़ा नींबू निचोड़ दे रही हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है नींबू निचोड़ने के बाद। और ये मूंगफली के दाने बाद में ही डालते हैं ताकि ये करारी रहे, नहीं तो नरम हो जाएगी, इसलिए बाद में ही डालते हैं। ये देखिए कितना अच्छा हमारा उपमा बनकर तैयार हुआ है। आप भी बनाइए, खाइए, अपना अनुभव शेयर कीजिए हमारे चैनल पे। ये देखिए हमारा उपमा बनकर तैयार हो गया है। अब मैं फ्लेम को बंद कर रही हूँ। इतना उपमा 4-5 लोगों के लिए पर्याप्त है। ये देखिए हमारा उपमा बनकर तैयार हो गया है, कितना अच्छा बना है। आप भी बनाइए, खाइए और अपना अनुभव हमारे साथ sangeetasinghe.com पर शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।